सिद्धार्थ के जाने के बाद सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं शहनाज को लेकर के कि शहनाज अभी कैसी हैं, आज कैसी हैं, क्या वो ठीक हैं, क्या वो खा पी रही हैं, क्या वो अच्छे से हैं या नहीं है। तो गाइस सभी को पता है सिद्धार्थ शहनाज की लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे। अब सिद्धार्थ नहीं है तो शहनाज धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगी, जी हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी। और अब आपको बता दें बीच में खबरें आई थी कि ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ रहा है ऐसा वैसा, तो हमने तभी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ टाइम लगेगा शहनाज को फिर से मूव ऑन करने में, लेकिन अभी थोड़ा सदमे में है। अब बता दें आपको हाल ही में शहनाज गिल से खुद मिलने पहुँची हैं और सिद्धार्थ की मम्मी से रुबीना दिलाइक और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला, जी हाँ दोनों लोग उनसे मिलने गए हैं। उनका एक आर्टिकल आया है जिसके ज़रिए पता चला है कि वो लोग शहनाज से मिले, सिद्धार्थ की माँ से मिले। अब वो पहले से थोड़ा थोड़ा बात कर रही हैं लोगों से, हाँ इतना ज़्यादा वो इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं बट थोड़ा मोड़ा कर रही हैं बात। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द जो शहनाज हैं वो फिर से अपनी पूरी हिम्मत के साथ वापसी लें, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी और अब वो पहले से बेहतर हैं। जिस तरीके से पहले लोग बातें कह रहे थे वैसा अब कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने बताया है अभिनव शुक्ला ने, मैं सिद्धार्थ के परिवार और शहनाज गिल के लिए प्रार्थना करता हूँ, शहनाज अब थोड़ा ठीक हो रही है। मैं और रुबीना शहनाज की माँ से मिले थे, भगवान शहनाज को हिम्मत दे। मतलब वो शहनाज की माँ से भी मिले थे, सिद्धार्थ की माँ से मिले थे, तो इट मीन्स सभी लोग अभी एक ही जगह पे हैं। सिद्धार्थ की 13वीं जब तक नहीं होगी, यानी कि कल शायद 13वीं होगी, उसके बाद ही सब जाएंगे अपने घर।